भोपाल माध्यमिक शिक्षा मंडल के सभी स्कूल का नया सत्र 1 अप्रैल 2024 से शुरू किया गया। नई कक्षा में जाने के लिए बच्चे उत्साहित नजर आए। सभी विद्यालयों में आज से नए सत्र की शुरुआत हुई। इस अवसर पर लोक शिक्षण संचालनालय की कमिश्नर शिल्पा गुप्ता के मुख्य आतिथ्य में सत्र की शुरुआत सीएम राइज महात्मा गांधी स्कूल बरखेड़ा से की गई। शिल्पा गुप्ता ने कहा कि आज से नवीन सत्र शुरू हो रहा है। बच्चों के और उनके पेरेंट्स के चेहरे पर उल्लास और खुशी का माहौल देखकर अच्छा लगा। आज 9वीं और 11वीं का रिजल्ट घोषित हुआ है। पिछले वर्ष की अपेक्षा में इस वर्ष के रिजल्ट में काफी सुधार हुआ है। महात्मा गांधी स्कूल की प्रिंसिपल हेमलता परिहार ने बताया कि सीएम राइज स्कूल में 2500 वैकेंसी निकाली गई है। लॉटरी के आधार पर एडमिशन किया जाएगा क्योंकि अभी जगह की कमी है और 1500 एडमिशन फॉर्म आ चुके हैं। पिछले साल हमारे यहाँ 988 बच्चे थे और चूंकि अभी हमारे यहाँ जगह की समस्या है, नई बिल्डिंग बन जाएगी तो 2500 बच्चे हमारे स्कूल में आ जाएंगे, लेकिन वर्तमान में अभी हमारे यहाँ 950 बच्चे हैं और अभी भी हमारी संख्या 1000 से ऊपर पहुँच चुकी हैगी। जबकि हम वैकेंसी निकालें उसके बाद भी हमारे पास वैकेंसी के अगेंस्ट में आप मानिए 150 वैकेंसी हमने निकाली और 1000 से 1200 फॉर्म हमारे पास उसके अगेंस्ट आए हैं। इस बार भी मैंने आपको बताया ना कि 150 के अगेंस्ट हमारे पास 1100 फॉर्म आए हैं। 1 अप्रैल से पूरे मध्य प्रदेश में हमारा अकादमिक सत्र नवीन शुरू हो रहा है, तो उसी में शामिल होने के लिए मैं स्कूल में आई और बच्चों के पेरेंट्स के चेहरे पे जो उल्लास और खुशी का माहौल देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। इसके साथ ही आज इस विद्यालय में 9th और 11th का रिजल्ट भी डिक्लेयर हुआ, तो सभी पेरेंट्स आए और रिजल्ट मुझे बताते हुए बहुत खुशी है कि स्कूल का रिजल्ट भी पिछले वर्ष की तुलना में काफ़ी सुधरा है। और मुझे बहुत खुशी है कि 1 अप्रैल से जो सत्र चल रहा है तो इसमें शुरू हुआ है, इसमें बच्चों के साथ पेरेंट्स भी बढ़ चढ़ कर भागीदारी ले रहे हैं और इवन छोटी क्लास के KG फर्स्ट क्लास के बच्चे भी बहुत सारे आए हैं और वो भी इतने उत्साह से इस प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।